नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उत्तर कलामृत के अनुसार कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मैं बता रहा हूं, जिसे आप अपनी कुंडली पे लागू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ चीज़ें जो हमें देखने में बुरी लगती हैं, कुंडली में बुरे प्रभाव देने वाले हैं, तो पता चलेगा कि हाँ उनका बुरा प्रभाव है ही नहीं। और कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, उनके भी अपवाद हैं, वो भी आप अप्लाई करिए तो आप निर्णय पे पहुंच पाएंगे कि जो अच्छा दिख रहा है कि वह वास्तव में अच्छा है कि नहीं, और जो बुरा दिख रहा है वह वास्तव में बुरा है कि नहीं। कुछ सूत्रों की यहाँ पर विवेचना करेंगे। पहला सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कुंडली में, स्त्री की कुंडली हो, पुरुष की कुंडली हो, चाहे जिस भी जातक की कुंडली हो, आप यह मान के चलिए कि अगर किसी भी कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में हो तो वह हमेशा अच्छा फल देता है, मतलब भौतिक जीवन के लिए अच्छा होता है, सुख समृद्धि देता है, लाइफ में लग्जरी देता है, खर्चे का योग बनाता है, यानी पैसा आएगा तभी खर्चा होगा, यानी ऐसा व्यक्ति एक सुखी जीवन जीता है। अगर शुक्र 12वें भाव में है तो उसे आप अच्छा कंसीडर करिए। इसी प्रकार से अगर किसी कुंडली में गुरु 6ठे भाव में हो तो आप इसे अच्छा कंसीडर करिए। और इसी प्रकार से अगर बुध किसी भी कुंडली में 8ष्टम भाव में हो तो अच्छा कंसीडर करिए। ये इन तीन ग्रहों को विशेषाधिकार है कि शुक्र 12वें में होगा तो यहाँ पे यह अच्छा फल देगा आपके जीवन को सुखी बनाने में। गुरु यहाँ होगा तो अच्छा फल देगा, वैसे गुरु यहाँ है तो गुरु की यहाँ से कर्म भाव पर दृष्टि जाएगी। और ये जो 6ठा भाव है ये 10म भाव से 9वम है, यानी कर्म का क्या है, ये भाग्य है। जो 6ठा भाव है ये कर्म का भाग्य भाव है, तो यानी कि कर्म के भाग्य भाव में सबसे अधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा है, और वहाँ बैठ करके लग्न को, यानी 10म भाव जो है कर्म क्षेत्र का लग्न है, वहाँ पे दृष्टि डाल रहा है गुरु। यहाँ से 7, 8, 9 यानी कर्म भाव के भाग्य में शुभ ग्रह बैठा है, और वह शुभ ग्रह कर्म भाव पर दृष्टि भी डाल रहा है, तो गुरु अच्छा हो जाता है। किसी भी कुंडली में 6ठे भाव में गुरु के होने से व्यक्ति के अंदर कंपटीशन करने की क्षमता आ जाती है, प्रतिस्पर्धा से ऐसा व्यक्ति भागता नहीं है, घबराता नहीं है। दृष्टि होने पर भी कहीं भी बैठा हो बृहस्पति 6ठे भाव को देखे तो भी यही चीज़ करता है। इसी प्रकार से बुध किसी कुंडली में 8ष्टम भाव में हो तो अच्छा फल देता है। अब इस अच्छे फल की मात्रा कितनी रहेगी यह इनकी राशियों पर भी निर्भर करेगा कि पहली चीज़ तो ये अस्त ना हो, दूसरी चीज़ ये जो है नीच के ना हो, शत्रुग्रही ना हो, क्योंकि अगर अस्त होंगे शत्रु के घर में होंगे, नीच के होंगे, तो देना तो इनको शुभ ही है लेकिन उस शुभ का परिणाम बहुत न्यून हो जाता है, कम हो जाता है, जो लाइफ में एक्सपीरियंस में नहीं आ पाता है। अब एक विशेष सूत्र आपने बहुत से कार्यक्रमों में देखा है कि शुक्र 12वें भाव में अच्छा होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अगर शुक्र कुंडली में 12वें भाव में शनि की राशि में, यानी मकर राशि में 10 नंबर की गिनती पर, या कुंभ राशि में 11 नंबर की गिनती पर होगा, तब यह योग नहीं लागू होगा।
किसी भी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो और इन दोनों राशियों में ना हो और ना ही इन दोनों नवमांस में हो। नवमांस कुंडली में भी शनि की राशि में ना हो और ना ही लग्न कुंडली में शनि की राशि में हो, और तब शनि यहाँ पर बैठेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वहीं यहाँ का नीच का अगर शुक्र होता है तो वो बहुत बुरा प्रभाव दे देता है, जैसे मस्तिष्क से संबंधित परेशानी दे देगा, ब्रेन हेमरेज, आँखों में परेशानी, एक बार खूब ऊंचाई पर लेके जाएगा फिर पतन करवा देगा। ये चीज जानिए, ऐसे गुरु अगर यहाँ पर है, बुरी स्थिति में है, नीच का है, अस्त है, शत्रु के घर में है, तो एक बार ऊपर लेके जीवन में जाएगा, फिर आप जब ये ग्रह पीड़ित होते हैं, नीच होते हैं, अस्त होते हैं, तो क्या होता है, ये ग्रह जब आपको जो देते हैं जीवन में सुख साधन पैसा, तो उस समय में व्यक्ति की मति मार जाती है, उस पैसे का सही संयोजन नहीं कर पाता। इनके द्वारा दिए गए योगों, शुभ योगों का जो है वह सदुपयोग नहीं करता, इसीलिए बाद में पतन हो जाता है। तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र 12, गुरु 6, बुध 8 में है, अच्छी स्थिति में है राशि में, राशि वाइज, तो ऐसा मान के चलिए तब जीवन भर वो सुख की स्थिति बनाएगा। आज इस लेवल पर है, कल इस पे जाएंगे, परसों इस लेवल ऊंचाई बढ़ेगी, लेकिन अगर ये बुरी स्थिति में होंगे तो ऊंचाई तो दे देंगे, यानी दे के छीनने का भी काम करेंगे। शुक्र में ये विशेष नियम कि अगर शुक्र 12वें भाव में है तो शनि की ना तो लग्न कुंडली में शनि की राशि में 12वें भाव में हो, ना नवमांस में हो। कारण आप सब जानते ही है कि शुक्र भोग है और शनि विरक्ति है। शुक्र क्या है? भोग, और शनि विरक्ति है, वैराग्य है। तो इसीलिए जब यह विरक्ति या वैराग्य वाली राशि में शुक्र होगा तो बस थोड़े समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए चीज़ें देगा, फिर ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो ये पहला सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र हैं कालिदास के ग्रंथ उत्तर कला मृत से। दूसरा सूत्र आप ये जान लीजिए, आपने देखा है, बार बार आपको बताया भी गया है, अगर कोई ग्रह कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठा होता है तो वो जो है अशुभ प्रभाव देता है। कोई ग्रह कुंडली में 6, 8 या 12 में बैठा हुआ है तो वह बुरा प्रभाव देगा। यानी अगर मान लीजिए कोई ग्रह चौथे भाव का स्वामी हो करके 6, 8 या 12 भाव में जा रहा है, तो ऐसा नियम है कि ये चौथे भाव का स्वामी या किसी भी भाव का स्वामी जो 6, 8, 12 का ना हो, किसी भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में गया है तो भाव फल में हानि होती है, ऐसा आपको हमेशा नहीं बोलना है। लगन का स्वामी चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश, द्वितीय, तृतीय, इन भावों का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जा रहा है लेकिन वह अपनी ही राशि में हो, स्वराशि का हो, वह ग्रह उच्च का हो, या ऐसी स्थिति ना हो तो वह ग्रह मित्र के ही घर में हो, तो उस भाव के फल में हानि नहीं करेगा। उस भाव चूंकि 6, 8, 12 में गया है तो उस भाव के फल में परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन परेशानियां थोड़ी सी झेलने के बाद उस भाव का फल मिलना ही मिलना है। चौथे भाव का स्वामी छठे में गया है तो इसका मतलब होता है भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख में कमी का योग बना। अब यही जो चौथे भाव का स्वामी छठे में गया है, आठवें में गया है या 12वें में गया है, वह अपनी ही राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, मित्र के घर में हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन का सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा, बस थोड़ी सी परेशानी और मेहनत अधिक करना पड़ेगा। व्यक्ति सोचेगा कि अगले साल मार्च में घर बनवा लेना है, अगले साल के बजाय एक साल और डिले हो जाए, कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फल ना ही मिले। ऐसा कब होगा कि फल नहीं मिलेगा? मिलेगा तो बहुत ज्यादा झिकझिक बाजियों से मिलेगा, बहुत ज्यादा परेशानी दे करके मिलेगा।
ऐसा तब होगा जब छठे भाव में या आठवें भाव में बारहवें भाव में जो ग्रह गया हुआ है वह नीच राशि में हो। किस राशि में हो? अपनी राशि में ना हो बल्कि नीच में हो, बल्कि शत्रु राशि में हो, बल्कि अस्त हो। ऐसा अगर होगा तब आप उस भाव से संबंधित फलों को की हानि का फलादेश कर सकते हैं कि भैया ये चीज आपकी कुंडली में दुसाध्य है, बड़े देर से मिलेगा, बड़ी मेहनत से मिलेगा, इसके लिए जब आपको बहुत ज़्यादा तड़प हो जाएगी, जीवन में संघर्ष कर लेंगे तब इस चीज का योग बनेगा। वहीं अगर भाव का स्वामी उच्च का हो, अपनी राशि का हो या मित्र के घर में हो तो भाव का फल मिलेगा लेकिन उतना ज़्यादा संघर्ष से नहीं मिलेगा, ये भी जानेंगे। वहीं क्या होता है, 6, 8 और 12 भाव कुछ चीज़ों के लिए अच्छे भी हो जाते हैं। जैसे अगर दसम भाव का स्वामी छठे में आया है और व्यक्ति मेडिकल के फील्ड में है, वकालत के फील्ड में है, तो उसके लिए अच्छा हो गया। यानी जिस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया है, अगर आपका प्रोफेशन उसी भाव से ही जुड़ा हुआ है, 6, 8, 12 से ही जुड़ा हुआ है, तब भी अशुभता में कमी आ जाती है, तब भी उस भाव का फल मिलेगा ही मिलेगा। अगला सूत्र जो है, ये दो सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे कि यानी सिर्फ भाव फल नहीं देख लेना है, भाव में ग्रह किस राशि में बैठा है, अगर उस राशि में पीड़ित है तब ज़्यादा अशुभता है और अगर पीड़ित नहीं है तो उतना ज़्यादा वह अशुभता फैलाने वाला नहीं है। तीसरा सूत्र आप ये जानिए, जो ग्रह आपकी कुंडली में बाल हो, वृद्ध हो, बहुत बार अंशों के अनुसार हम लोग बाल वृद्ध देखते हैं, यानी अगर किसी ग्रह की जो राशि में स्थिति है वह राशि के शुरू में 0 से 6 अंश के बीच में हो या लास्ट के जो है 24 से 30 अंश के बीच में हो तो वह बाल होगा या तो वृद्ध होगा, यानी डिग्री वाइज वह वीक होता है। डिग्री वाइज वीक ग्रहों का ऐसा नहीं है, जो ग्रह डिग्री वाइज वीक है वह रिजल्ट ही नहीं देगा। वास्तव में जो डिग्री है वह 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे, ये जो डिग्री है ग्रह की यह एक राशि परिवर्तन करने का एक क्रम है। जब तक वह 29 नहीं जाएगा, 30 नहीं जाएगा, तब तक अगली राशि में कैसे प्रवेश करेगा। लेकिन एक विशेष चीज यह समझ लीजिए कि जब हम कुंडली देखते हैं, गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ी और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है। अब गुरु की इस दृष्टि को आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन गुरु कुंडली में 3 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है, यानी अगर कोई ग्रह बाल या वृद्ध है तो उस ग्रह की दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दृष्टि नहीं रहेगी या प्रभाव नहीं करेगी, बल्कि कम प्रभाव करेगी। कहने का मतलब यह है, अगर गुरु यहाँ पर जिस राशि में 15 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है तो 15 डिग्री पर होने पर जो दृष्टि में शुभता रहेगी वह शुभता यहाँ पर गुरु के 3 अंश के होने पर दृष्टि में उतनी शुभता नहीं रहेगी। इसी प्रकार से क्रूर ग्रहों के लिए भी जानिए, जैसे मंगल क्रूर ग्रह है, अब किसी कुंडली में मंगल यहाँ पर बैठा है, अब मंगल की अष्टम पर दृष्टि है जो कि अच्छी नहीं है, जीवन में दुर्घटना, बीमारी, चोट चपेट का योग देने का चांस है। अब मंगल किसी की कुंडली में 3 डिग्री का होके बैठा है, अब जब यह 3 डिग्री पे होकर के दृष्टि डालेगा तो इसकी दृष्टि में बल तो रहेगा लेकिन पूर्ण सामर्थ्य वाला बल नहीं रहेगा। जबकि अगर यही मंगल 15 डिग्री का होके देखेगा किसी दूसरे की कुंडली में, 2 कुंडलियां आपने सामने रखी, एक में 3 डिग्री का मंगल देख रहा है, एक में 15 डिग्री का मंगल देख रहा है, तो 15 डिग्री वाले मंगल का जो अशुभ प्रभाव अष्टम में देखने को मिलेगा वो ज़्यादा आपको असर दिखाएगा, 3 डिग्री वाला जो मंगल है
उस जातक की कुंडली में उससे बहुत कम परेशानियां आएंगी मंगल की अष्टम पर दृष्टि होने से। यानी अगर ग्रह बाल वृद्ध है तो उसकी दृष्टि भी वैसे ही कमज़ोर हो जाती है। वैसे भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख लीजिए, बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनको देखने में दिक्कत होती है, दूर कोई लोग हैं नहीं दे, युवा अब तो युवा लोगों को भी हो रहा, वो अलग विषय है। लेकिन अगर हम नेचुरली ऐसे देखें तो जो बालक हैं और जो वृद्ध हैं उनकी बॉडी की क्षमता कम होती है, बॉडी में ही आँख भी आती है, उसकी क्षमता घटती है। तो एक सिद्धांत आप यह भी जान रखिएगा। अब एक और सिद्धांत समझ लीजिए, हमेशा आपको कहा जाता है कि वक्री ग्रह बलवान हो जाता है। कोई भी ग्रह वक्री होगा तो वो बलवान हो जाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वह पृथ्वी के निकटतम दूरी से गोचर करता है। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो मार्गी होने पर अधिक बली होता है, ना कि वक्री होने पर। अगर किसी कुंडली, एक कुंडली में शनि मार्गी है, वहीं दूसरी कुंडली में शनि वक्री है, तो जहाँ वक्री है शनि उसमें शनि में कम बल आएगा, और अगर शनि मार्गी है तो ज़्यादा बली रहेगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप ऐसे समझिए, जो सिंह लगन या कर्क लगन की कुंडली होती है, अगर किसी की कुंडली कर्क लगन की है तो शनि मार्केश बनेगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और अगर सिंह लगन बनेगा तो यहाँ पे 5 और फिर शनि का 10 यहाँ, 11 यहाँ पड़ेगा। यानी कर्क और सिंह लगन में शनि प्रबल मारक है। दो लोगों की कुंडली आपके सामने आई, शनि के मारकत्व का निर्धारण करना है। अब अगर एक कुंडली में शनि मार्गी है तो उस कुंडली में शनि के मारकत्व का प्रभाव अधिक रहेगा, क्योंकि शनि मार्गी होने पर मारक का प्रभाव अधिक देता है। अन्य ग्रहों की बात नहीं है, अन्य सभी ग्रह वक्री होने पर ही बली होंगे मार्गी की अपेक्षा, लेकिन शनि अगर मार्गी है तब मार्केश है तब वह अधिक बली होगा, और अगर वक्री है तो कम बली। तो जिस कुंडली में शनि मार्केश हुआ, मान लीजिए कर्क लगन में मार्केश हुआ और मार्गी है, तो कर्क लगन वाले को ज़्यादा अशुभता देगा। वहीं सिंह लगन की आप एक देख रहे हैं या कर्क लगन की ही कोई दूसरी कुंडली देख रहे हैं जिसमें शनि वक्री हो गया है, तो वक्री होने पर आप देखेंगे मारकत्व तो रहेगा, तकलीफ तो देगा, लेकिन जिसकी कुंडली में मार्गी है उसकी अपेक्षा अब इसे कम तकलीफ देने वाला है। ये सिद्धांत भी आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और इसे भी याद करिए। अब एक बहुत ही रोचक चीज जानिए, सभी ग्रह जो सूर्य के सानिध्य में होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। शनि की डिग्री के करीब, वो सूर्य की डिग्री के करीब में जो ग्रह आएगा वो अस्त होगा। सूर्य यहाँ पर है, इसी के साथ में बुध है। अब इन दोनों दोनों के बीच में 12 डिग्री का फासला है। सूर्य मान लीजिए 12 डिग्री का है और बुध 25 डिग्री का है, तो अब तो बुध अस्त नहीं है। लेकिन अब सूर्य और बुध की डिग्री अगर समीप में आ गई, सूर्य 5 डिग्री, बुध 8 डिग्री, तो बुध अस्त है पूर्ण रूप से। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी अस्त का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्रह के अस्त का आकलन करते समय आप बिना डिग्री देखे उसे पूर्ण अस्त मानिए। अस्त में भी आपको देखना है कितना अस्त है। अब जैसे सिर्फ सूर्य 5 का है, बुध 8 का, 3 डिग्री का अंतर है, अभी बुध पूर्ण अस्त है। लेकिन अब यही मान लीजिए बुध जो है 15 डिग्री का हुआ, 10 डिग्री का अंतर आया, जब 3 डिग्री के अंतर में अस्त का जितना बुरा प्रभाव है उतना अब 10 में नहीं रहेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे ठंडी आ गई तो ठंडी में क्या है, शुरू में आपको अलाव की ज़रूरत, गर्मी की अलाव जो लकड़ी जला के आप उसको तापने का काम करते हैं, तो ठंडी कम है तो कम अलाव की ज़रूरत पड़ेगी, घंटे आधे घंटे आपको सुबह शाम ज़रूरत पड़ेगी। ठंडी बढ़ती गई
अब कुछ जगह पर ठंडी होती ही नहीं है, वो नहीं समझेंगे, लेकिन वो भी जहाँ ठंडी अधिक होती है, जब वहाँ के माहौल की कल्पना करेंगे तो समझ जाएंगे। अब ठंडी अपने चरम पर आ गई, आ गया जो है 15 जनवरी, 20 जनवरी के आसपास में, 5 जनवरी, 10 जनवरी के आसपास में, तो पता चलेगा कि पूरे दिन जो है अलाव की ज़रूरत है। मतलब ठंडी जो है नवंबर से शुरू हुई, दिसंबर से धीरे धीरे जब डिग्री बढ़ती गई ग्रहों की, तो ठंडी का प्रभाव बहुत अधिक हुआ। जैसे जैसे दूर होता गया, प्रभाव कम होता गया, फिर बाद में सुबह सिर्फ थोड़ी देर आग की ज़रूरत पड़ गई, काम खत्म हो गया, 10-11 बजे नहीं पड़ा। ऐसे ही जानिए, जितने करीब में है उतना ही ज़्यादा अस्त है, जैसे जैसे दूर जाने लगेगा वैसे वैसे उसमें प्रकाश आने लगेगा, बुध में अपना प्रकाश, थोड़ा दूर गया थोड़ा प्रकाश आया, और दूर गया थोड़ा और आया, थोड़ा और आया, थोड़ा और आया, और जब सूर्य से पर्याप्त दूरी बना लिया तो उसमें अपना पूरा प्रकाश आ गया। तो ये जो अस्त ग्रह होते हैं, इसमें दो ग्रहों के ऊपर, शनि के ऊपर और शुक्र के ऊपर अस्त तो ये होते हैं, शनि और शुक्र ये सूर्य के सानिध्य में जाएंगे तो अस्त तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये दोनों ग्रह अस्त होने के बावजूद भी जिस भाव के स्वामी हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव और भावेश के होने का पूर्ण फल देते हैं। यानी अस्त होने के कारण इनके भाव फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका भाव फल बिगड़ेगा नहीं, ये आप जानिएगा। रिजल्ट बताते समय अगर आपको लगता है कि शनि अस्त है तो आप उसे अस्त मान के उसका फलादेश नहीं करेंगे, वह अस्त नहीं है। इसी प्रकार से जब सूर्य के समीप में शुक्र होगा तो भी वह अपना पूरा फल, भाव फल देगा। ये दो ग्रह को स्पेशल रूप से अस्त में छूट मिली हुई है कि ये अपना प्रभाव तब भी दे सकते हैं, और आप इसे जब कुंडली पर अप्लाई करके प्रेडिक्शन करेंगे तो देख पाएंगे कि हाँ फल मिल रहा है। अब अगला नियम जो है वह मंगल ग्रह से संबंधित है। आपको एक नियम पता है, कोई भी ग्रह जब शत्रु राशि में जाता है तब वह पीड़ित होता है। यानी जिस भाव में शत्रु राशि में होके बैठा है उस भाव को भी पीड़ित करेगा, भाव के फल में परेशानी, और जिस भाव का स्वामी है उसमें भी परेशानी। लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अपने शत्रु बुध की राशि में बैठ करके भी कमजोर नहीं होगा। यानी अगर मंगल कुंडली में कहीं भी हो, वह 3 नंबर या 6 नंबर की गिनती पर होगा तो वह पीड़ित नहीं है, सेनापति युवराज के घर में पीड़ित नहीं रहेगा, ये आप जान के रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का स्वामी, यहाँ 7 नंबर है चौथे भाव में, इसका स्वामी शुक्र हुआ। अब यह शुक्र 8, 9 शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। अब शुक्र जो चतुर्थ भाव का स्वामी होके छठे भाव में एक तो है, ऊपर से शत्रु की राशि में है, यानी अब यहाँ पे शुक्र पीड़ित हुआ तो चौथे भाव के फल में परेशानी पैदा करने वाला है। लेकिन अगर यही शुक्र के बजाय या किसी अन्य ग्रह के बजाय मंगल हो और वह 3 या 6 नंबर की गिनती में कहीं भी बैठा हो, तो इन राशियों में होने से वह मंगल राशि वाइज अच्छा प्रभाव करेगा, बुरा प्रभाव नहीं करेगा। यानी मंगल बुध के घर में पीड़ित नहीं माना जाएगा, वह शुभ फल देगा। एक सूत्र और हम आपको बताएंगे अभी। देखिए, जो अष्टम भाव होता है यह हमारी आयु का भाव होता है, 8वें भाव से आयु का विचार होता है या मृत्यु का। मृत्यु और आयु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अष्टम को चाहे आयु भाव कह लीजिए, चाहे मृत्यु भाव, आयु खत्म होगी तभी मृत्यु आएगी। चंद्रमा जो है यह सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, यानी एक राशि को सबसे जल्दी पार करता है। चंद्रमा हो गया हमारा एक ग्रह, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल, बुध, गुरु,
शुक्र, शनि, राहु और केतु, इतने हमारे 9 ग्रह हैं। इसमें से आप जानते हैं कि एक तो गुरु, दूसरा शनि, तीसरा राहु और चौथा केतु। ये जो 4 ग्रह होते हैं, ये जब किसी राशि पर जाते हैं तो इनको उस राशि को पार करने में अधिक समय लगता है। यानी ये ग्रह जो होते हैं दीर्घकालिक गोचर वाले होते हैं। ये दीर्घकालिक गोचर के ग्रह हैं। तो आप ये जानिए कि अष्टम भाव में जब कोई दीर्घकालिक गोचर वाला ग्रह होता है, इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु भाव या आयु। आयु आयु नहीं बोलते, आयु का खत्म होना बोलते हैं। आयु का खत्म होना यानी मृत्यु। तो जब भी स्लो चलने वाले ग्रह यहाँ पर होते हैं तो मृत्यु भी स्लो स्लो आएगी, धीरे धीरे आएगी, यानी मृत्यु आने में ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए अष्टम भाव में जब कोई जैसे बुध जैसा सुकुमार ग्रह जल्दी गोचर करने वाला, चंद्रमा पड़ जाए, मंगल या सूर्य पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति जन्म के समय में बीमार रहते हैं। क्योंकि ये कम गोचर वाले, कम समय के गोचर वाले ग्रह जो हैं वो आयु वृद्धि नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका यह ग्रह होगा उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अन्य योग भी कुंडली में होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर गुरु, शनि, राहु, केतु अष्टम में है तो आयु हमेशा ही लंबी होगी, क्योंकि ये तो सूत्र मैं बता रहा हूँ। लेकिन ज्योतिष में कुछ योग होते हैं, जैसे मान लीजिए राजयोग जब हम बनाते हैं, एक केंद्र का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो तो राजयोग। अब वह कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन एक योग है कि अगर मंगल उच्च का है केंद्र में, अब ये योग हो गया। अब इसमें और कोई नियम नहीं लागू है, यहाँ पता है कि राशि कौन सी होगी, ग्रह कौन सा। तो अगर अल्प आयु योग है, जल्दी मृत्यु का योग बना हुआ है कुंडली में, तो ये ग्रह भी काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई योग नहीं बने हैं जल्दी मृत्यु वाले, तो गुरु, शनि, राहु और केतु अष्टम भाव में हो या अष्टम पर दृष्टि डालते हो तो ये व्यक्ति की आयु को लंबी करते हैं। वहीं फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है आयु का ह्रास करते हैं। तो ये चीज़ भी आप जान के रखिए। तो कुछ सूत्रों को हमने यहाँ पर आपके लिए फल यहाँ से उत्तर कलामृत से उद्धृत किया है। आगे और भी सूत्रों की जानकारी देंगे। इनको आप अपनी डायरी पे नोट करें, समझें और सीखिए।